नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ श्री राममूर्ति जोशी द्वारा वर्तमान में चली रही वैश्विक महामारी COVID-19 के कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु चले रहे लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु तथा लॉकडाउन के तहत मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना भवानी मंडी ने कार्यवाही करते हुए 1130 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा मय ट्रक के साथ एक अभियुक्त जगतार सिंह को गिरफ्तार किया। विवरण श्री महेंद्र मीना पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना भवानी मंडी ने बताया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झालावाड़ श्री राममूर्ति जोशी द्वारा वर्तमान में चली रही वैश्विक महामारी COVID-19 के कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु चले रहे लॉकडाउन की पालना करवाने हेतु तथा लॉकडाउन के तहत मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री राजेश यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ के नेतृत्व में एवं श्री राजेश मेश्राम पुलिस उप अधीक्षक वृद्ध भवानी मंडी के निकट सुपरविजन में पुलिस थाना भवानी मंडी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10 मई 2020 को समय 1240 PM पर दौराने नाकाबंदी जुल्मी तिराहा मौजा पीपलिया से अभियुक्त जगतार सिंह पुत्र महेंद्र सिंह जाति जट सिच उस 32 वर्ष निवासी चुगामा पुलिस थाना असाद जिला करनाल राज्य हरियाणा को ट्रक नंबर HR 45C 1298 में 1130 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा भरकर लेकर जाते हुए पकड़ा जाकर अफीम डोडा चूरा को जब्त किया, जिस पर प्रकरण सम 178020 धारा 8/15 DPS एक्ट में पंजीबद्ध किया। उपरोक्त प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में जब्त अग्ध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा को किससे, कहां से लेकर आया व कहां किसको देने जा रहा।